जगत के ट्रस्टी किंग दिलीप कुमार का निधन। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त करने के साथ ही 8 राज्यपाल बदले जाने से मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल बड़ा होने की संभावना है। इसमें नए मंत्रियों को शामिल करने के साथ ही मंत्रिमंडल के पुराने चेहरों को हटाया भी जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में होने वाला ये पहला मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। विस्तार में नए चेहरों को जगह मिलने के साथ ही भाजपा के सहयोगी दलों को भी मजबूती मिलने की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार में जनता दल यू के भी शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। कल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस संबंध में पार्टी के अध्यक्ष आरसीपी सिंह को अधिकृत किया गया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरसीपी सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल होने की समझ बन गई है। केंद्र सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा स्थापित करेगा। इस फैसले से सहकारिता आंदोलन को वास्तविक जन आधारित बनाने में मदद मिलेगी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से सहकारिता को जमीनी स्तर तक पहुंचाने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश के कारण उत्तर बिहार में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न जिलों में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। मुजफ्फरपुर
सरस्वती नदी में उफान के कारण कटरा और राईगाय घाट और मीनापुर प्रखंडों में बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग राष्ट्रीय राजमार्गों पर शरण ले रहे हैं। सब घर सन पानी है, रोड से ही आता है का भरल पानी, खाए पिए के दिकदारी हो रहल है। दो दिन से दाना पानी हैबे न है। पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर प्रखंड के धनरपा गांव के पास मशान नदी के गाइड बांध में बाढ़ के कारण हुए कटाव से स्थानीय ग्रामीण काफी भयभीत है। मैनाटाड़ क्षेत्र में नदियों के उफान के कारण बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। के अनुमंडलाधिकारी शेखर आनंद ने कटाव का निरीक्षण कर अभियंताओं को जल्द कटाव रोधी काम पूरा करने का निर्देश दिया। श्री आनंद ने बताया कि किसान की फसल क्षति का आकलन कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोपालगंज जिले के सदर और माझा प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। इन गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। बाढ़ का पानी बढ़ने से ग्रामीण उच्च स्थलों में शरण ले रहे हैं। माझा प्रखंड निमुया पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ में सारा राशन और जलावन डूबने से उन्हें काफी समस्या हो रही है। खगड़िया जिले में बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन ने दोनों नदियों के तटबंध के अंदर रहने वाले को सतर्क रहने को कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी और पश्चिम चंपारण सहित 5 जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत कार्य चलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया गया है कि वैसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं माना जाए जिन्होंने कोरोना से बचाव का टीका नहीं लिया है। श्री चौधरी ने मुंगेर में एक समीक्षा बैठक के बाद बताया कि कोरोना पर नियंत्रण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। ये सब व्यवस्था करने
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर जागरूकता फैलाने, लोगों के सुझाव प्राप्त करने और जानकारी देने के उद्देश्य से मीडिया सेल का गठन किया है। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव दिव्यराज ने बताया कि जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट sec.bihar.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट के अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़कर जानकारी हासिल की जा सकती है। sec.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर भी आप जाकर डिटेल्स दे सकते हैं और सोशल मीडिया में कैपिटल SEC बिहार सर्च करके आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जाके अपना जो भी ये पोस्ट वो देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्मी दुनिया में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद आज मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। दिलीप कुमार के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। कई लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि दिलीप साहब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की अंतिम कड़ी थे। दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान फिल्म प्रेमियों के लिए शायद ही किसी परिचय के मोहताज हो। बॉलीवुड के बादशाह रहे दिलीप कुमार अपने संवेदनशील अभिनय और संवाद अदायगी के लिए हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करते रहे। उस दौर में जब फिल्म इंडस्ट्री में शोमैन राज कपूर से जुबली स्टार राजेंद्र कुमार तक एक से बढ़कर एक नायक थे, दिलीप कुमार ने 70 mm के रूप पहले पर्दे पर अपने लिए स्टारडम की एक अलग ही ट्रेजिक पटकथा लिखी थी। पेशावर तब के पाकिस्तान में जन्मे दिलीप साहब का सपनों के शहर मुंबई से तारुफ उनके अब्बा जान की वजह से हुआ जो यहां नौकरी करते थे। उनकी पहली फिल्म ज्वार भट्टा थी जो
1944 में आई। 1949 में बनी फिल्म अंदाज की सफलता ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। मेला, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमति, यहूदी, पैगाम, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर तथा राम और श्याम जैसी फिल्मों के नायक दिलीप कुमार स्वतंत्र भारत के पहले दो दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे। इस अभिनेता ने रंगीन और रंगहीन सिनेमा के पर्दे पर अपने आप को कई रूपों में प्रस्तुत किया। वे ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ये भी सिद्ध किया कि हास्य भूमिकाओं में वे किसी से कम नहीं हैं। आज की नई पीढ़ी के बहुत से लोग चाहे दिलीप कुमार के फिल्मों के महान योगदान और उनकी कई बड़ी उपलब्धियों को न जानते हों, पर दिलीप कुमार सफलता के जिस शिखर पर पहुंचे वहां आज तक कोई और नहीं पहुंच सका है। आज उनके जाने से फिल्मी दुनिया के स्वर्णिम युग का अंत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को कर्नाटक, जबकि बंडारू दत्तात्रेय का तबादला हिमाचल प्रदेश से हरियाणा किया गया है। रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं सत्येंद्र नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप को विश्व के सभी देशों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। प्रदेश में आज से अनलॉक 5 के तहत कोविड के कारण जारी प्रतिबंधों में और छूट दी गई है। नए दिशा निर्देशों में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू करने महाविद्यालय
प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले सभी पदों के आरक्षण रोस्टर की जानकारी ऑनलाइन दी जाएगी। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मोटर चलित नौका से टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति। पटना के मंदिरी नाला का निर्माण कार्य अब जल्द शुरू हो जाएगा। इससे राजधानी में आवागमन और सुगम हो जाएगा। अंत में सुर्खियों पर एक नजर फिर से डालते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार आज मंत्रिपरिषद में शामिल होगा जनता दल यू। केंद्र सरकार ने अलग सहकारिता मंत्रालय का किया गठन। उत्तर बिहार की नदियों में उफान के कारण विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर और फिल्म जगत के किंग दिलीप कुमार का निधन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन दर्शकों कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरते। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं। मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों